भाई साहब, मैं आज आपको टाउन हॉल 11 पे एक इजीली थ्री स्टार आपको कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ गाइज, आप तो थंबनेल पे के देख चुके होंगे वो आर्मी क्या है। तो चले गाइज, आपको क्या क्या लेना है मैं आपको बता ही देता हूँ। हाँ गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो चले गाइज, आर्मी के ऊपर देखते हैं। दो एक्चुअल लेना है आपको, एक वॉल बेकर, 5 हीलर्स, एक बेबी ड्रैगन और 34 हॉक्स लेना है आपको, एक हीलिंग स्पेल, एक रेस स्पेल, एक फ्री स्पेल, क्लोन स्पेल आपको एक लेना है और इन स्पेल आपको 3 लेना है, ठीक है। आपको सीज मशीन लेना है ब्लिम, उसके अंदर एक रेस स्पेल और सीसी के अंदर आपको लेना है 2 एक्चर, सुपर एक्चर और एक सुपर विजर, ठीक है गाइज। हाँ गाइज, हमारा भी क्लास ऑफ क्लांस पे एक अपडेट आ चुका है। हाँ गाइज, बिल्डर बेस का अपडेट आ चुका है, आपको चाहिए तो वो अटैक आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना ही दूंगा। हाँ गाइज, आपको और कुछ स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं भी आपके लिए वीडियो वो ही बना दूंगा, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है गाइज। तो ये रहा हमारा पहला बेस, देखिए कितना जल्दी हो गया, अब उसको ट्राई कर सकते हो। हमको पहले क्वीन को डालना पड़ेगा, पीछे सार के सारे हीलर्स को, क्योंकि फनल क्लियर करना है, और एक वॉल बेकर क्योंकि, और एक बेबी ड्रैगन साइड से फनल के लिए, क्योंकि क्वीन का अंदर जाना है, ठीक है गाइज। उस क्वीन को टेक डाउन करना है हमको, ठीक है गाइज। देखते हैं, अच्छा खासा बेबी ड्रैगन फनल क्लियर कर रहा है, एक डिफरेंशियल ले लगा बेबी ड्रैगन, बहुत बढ़िया मिल गया, बहुत अच्छा काम करा वहाँ पर। देखते हैं क्या होता है, और एक रेज आएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्वीन ने टेक डाउन करना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ पर रेज जाने का, ठीक है। क्वीन भी टेक डाउन हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पीछे से हम ब्लिम्प को ड्रॉप कर दिए, क्योंकि इस साइड में जाएगा, ईगल फिगल को क्लियर करेगा, ठीक है गाइज। देखते हैं, फूट जाएगा अभी यहाँ से लगता है, हाँ यहाँ पे फूट गया, एक इन स्पेल आ गया, ठीक है, और एक क्लोन स्पेल और एक रेस स्पेल आ गया, ठीक है गाइज। देखते हैं, बहुत बढ़िया, ईगल जल्दी से मिल गया, एक्सबो वे मिल जाएगा अभी, और एक इन स्पेल आ गया, भाई एक्सबो मिल पाएगा भाई, सिंगल इनपो तो मिल जाए यार, सुपर अक्षर यार लिखा लो यार, बहुत बढ़िया। क्या एक्सबो निकल पाएगा सुपर अक्षर ने, भाई कितना सुपर अक्षर निकला भाई, 4-5 निकला शायद, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा काम कर गया वो बेस के अंदर। देखते हैं, क्वीन भी अच्छा खासा इस साइड क्लियर होकर है, सारे का सारे हॉक्स को हमको यहाँ पे डिप्लॉय कर देना चाहिए, ठीक है। हॉक्स कुछ बचाना है आपको फाइनल लास्ट में, और पीछे से बूढ़े आ गया, ठीक है। और एक यहाँ पर हमने किंग को डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि इस साइड में फाइनल क्लियर करना है आपको, बस हॉक कुछ बचाना चाहिए आपको, क्योंकि फाइनल को क्लियर करना है, हम कुछ नहीं लाया फाइनल के लिए, बस होगी फाइनल को क्लियर करेगा लास्ट में, ठीक है गाइज। यहाँ पे एक रेज हीलिंग स्पेल आई है, क्योंकि विजार्ड था, ज़्यादा एचपी कम हो जाता वहाँ पे, ज़्यादा ज़रूरी था डालने में। एक फ्री स्पेल हमारा सब तक बचा है, देखते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था, हम ऐसे ही डाल दी, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको करना था, वो डेगा अपने एबिलिटी दे दी, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। हॉक से यहाँ पे एक हमने डिप्लॉय कर दिया, और दो साइड में किंग का अबिलिटी दे दिया, क्योंकि फटाफट हमको बेस को क्लियर करना है, ठीक है गाइज। देखिए इस साइड में बहुत ज़्यादा हॉक बचा है, बहुत ही ज़्यादा गैज हॉक बचा है, क्या ही बोलूँ मैं। किंग देखिए वाल तोड़ के भी अंदर चला गया, कोई बात नहीं, हॉक ही निकाल सकते हैं वहाँ पर, फनल को निकल भी गया, बहुत बढ़िया। क्वीन बचा है, बूढ़े बचा है, और सारे के सारे बच्चे है भाई। तो गाइज लो, ये हो गया हमारा पहला बेस में 3 स्टार, ठीक है गाइज। ये रहा हमारा अगली बेस, ठीक है, फुल्ली मैक्स है। अब देखिए यहाँ पे हम क्वीन को डिप्लॉय करेंगे पहले, उसके बाद सारे के सारे हीलर्स को एंक वॉल पे कराया, क्योंकि उस क्वीन को टेक डाउन करना है हमको, ठीक है गाइज। बहुत बढ़िया फाइनल क्लियर कर रहा है क्वीन उस साइड से, यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन आ गया, क्योंकि उस साइड पर फाइनल नहीं क्लियर करेंगे तो उधर जा सकता है क्वीन, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ पर डिप्लॉय करने में, ठीक है भाई। फुल्ली मैक्स है भाई, बेस तो फुल्ली मैक्स है, क्या ही बोलूँ, बहुत बढ़िया। लगता है वहाँ पे एक रेज आएगा, लगता है रेज भी आ गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि उस क्वीन को टेक डाउन करना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आने में, ठीक है गाइज। बहुत बढ़िया, क्वीन टेक डाउन हो गया, बस किंग ही बचा है, कोई बात नहीं। पीछे से हम ब्लिम डिप्लॉय करते, क्योंकि ईगल को लेना है, और एक्स बो था यहाँ पर, फ्री स्पेल वहाँ पर आ गया, क्योंकि किंग मार रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ब्लिम लगते हैं वहाँ पर फूट जाएगा, फूट गया, कोई बात नहीं। पहले इन स्पेल आपको डालना है, और एक क्लोन स्पेल, और एक रेज आ गया, ठीक है, मिल गया, एक एक्सपो मिल गया, बहुत बढ़िया। ईगल मिल जाए भाई, टाउन हॉल भी मिल जाएगा लगता है, सिंगल इनफो का मिल पाएगा, मिल पाएगा, मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कोई बात नहीं। टाउन हॉल भी निकल गया, अच्छा खासा से, अच्छा खासा निकल गया बेस में,
फ़ोन यहाँ पे एबिलिटी बचा है, लगता है ऑटोमेटिकली एबिलिटी लग जाएगा क्योंकि सिंगल इन फोन था। सारे कुछ सॉक्स हमको यहाँ पे डिप्ले कर दिए साइड में, 10 ही हमने बचाया क्योंकि फाइनल क्लियर करना है। मैं आपको पहले ही बोला था फर्स्ट वेस में कुछ आपको रखना है, नहीं तो दिक्कत होगा। यहाँ पे 3 आ गया हॉक क्योंकि सिंगल इन फोन है, इसलिए क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पीछे से बूढ़े आ गया और एक हेलिंग स्पेल वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने किंग को ड्रॉ डिप्ले करते क्योंकि एयर बॉम्ब था, क्लियर हो गया बहुत बढ़िया। बुढ़िया ने एबिलिटी दे दी वहाँ पे क्योंकि एस बॉम्ब आ रहा था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, यहाँ पे 2 अक्षर आ गया फाइनल के लिए क्योंकि फटाफट हमको बेस क्लियर करना है गाइस, बहुत बढ़िया। एक्स बॉय निकल जाएगा, अभी बहुत सारा हॉगी भी बचे हैं इसमें, हमें ज़्यादा हॉक्स नहीं बचे, कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ हॉक बचे हैं, इस साइड से हमने फाइनल क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे हॉक्स आ गया डिप्ले कर दी साइड में क्योंकि फाइनल को हमको क्लियर करना है। कोइन भी इधर साइड अच्छा खासा क्लियर करा, बस ये कुछ फाइनल बचे हैं लास्ट में, इतना हॉगी बचे हैं, ज़्यादा हॉक्स नहीं बचा, कोई बात नहीं। सिस्टा तो हो गया, बस जल्दी हो गया, कोई दिक्कत वाला नहीं हुआ इस बेस में। तो गाइस लो, ये हो गया रिवर्स में 3 स्टार। ठीक है, ये रहा हमारा लास्ट वेस्ट। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारा लास्ट वेस्ट। फिर हमको क्वीन को डिप्ले कर देना है साइड में और सार के सर पीछे से हिलर और एक वॉल पेकर आ गया क्योंकि मल्टी को हमको लेना था। देखते हैं कहाँ पर जाता है क्वीन, क्या अच्छा खासा वैल्यू निकल पाएगा इस वेस में, कोई निकल पाएगा। यहाँ पे एक बेड ड्रैगन आ गया क्योंकि फाइनल क्लियर करना है, इधर दिक्कत हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, कोई ना अंदर जा यार, अबे कोई ना अंदर नहीं जाएगा क्या, अबे कोई ना अंदर तो जा, अरे यार क्वीन तो इस साइड में आ गया भाई, उस क्वीन को भी टेक डाउन करेगा, अभी टेक डाउन भी कर दिया भाई। क्वीन को उधर से साइड जाना था भाई, घूम के चला जा क्वीन, क्या नहीं जाएगा देखते हैं। नहीं गया भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमको किंग को डिप्ले कर देना है इस साइड में क्योंकि इस क्वीन को, किंग को टेक डाउन करना था। यहाँ पे पीछे से ब्लिंप आ गया, डायरेक्ट टाउन हॉल के पास ही फूटेगा लगता। नहीं यार बॉम्ब था, यार बॉम्ब था, वहाँ पे फूट गया, कोई बात नहीं। पहले इंस्पेल आपको डाल देना है और एक क्लोन स्पेल और एक रेज आएगा वहाँ पे, ये गल तो मिल जाएगा इजीली। लगता है क्वीन किंग टेक डाउन हो पाएगा या नहीं देखते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा खासा से काम कर रहा है किंग का। हमने एबिलिटी दे दी वहाँ पे, यहाँ पे कुछ हॉक्स हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉक्स डिप्ले कर दिए साइड में। पीछे से बूढ़े आ गया, मल्टी ले जाएगा भाई। भाई क्या ही बच्चा भाई, 2 ही बच्चे, एक एक्चर उड़ गया, एक ही बच्चा, कोई बात नहीं। बूढ़े का हमने एबिलिटी दे दी वहाँ पे क्योंकि 2-2 एक्स बो मार रहा था, दिक्कत हो सकता था वहाँ पे। वहाँ पे एक हीलिंग स्पेल आ गया क्योंकि बॉम्ब था, इसलिए बहुत ज़रूरी था वहाँ पे देने में। बूढ़े का एबिलिटी हमने दे दी वहाँ पे, कुछ हॉक्स बचे हैं, कोई बात नहीं। इधर से कुछ हॉक्स आ गए और एक फ्री स्पेल आ गया वहाँ पे क्योंकि एक्स बो था, ज़्यादा मर जाते वहाँ पे। और एक रह जाएगा क्योंकि फटाफट हमको क्लियर करना है, मल्टी इन फोन है, ज़्यादा हॉक मार सकते हैं भाई, मर जाएगा यार इस साइड से हॉक। क्या ही बोलूँ भाई, काम नहीं करा स्पेस में, ठीक से काम नहीं करा, क्या ही बोलूँ। कोई नहीं उधर जाता तो भाई बहुत ज़्यादा हॉक बचते, कोई बात नहीं। टेकडाउन भी हो गया मल्टी इन फो, बस फाइनल क्लियर करने बचे हैं अभी। देखिए हॉक इस साइड से भी क्लियर करा है, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा बेस में वैल्यू भी निकला। ठीक है, ये अटैक करो गाइज, बहुत ज़्यादा ईजी है और जल्दी आपको 3 स्टार आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, मैं जैसे जैसे आपको बताया आपको वैसे वैसे ही करना है। आप वार में करोगे तो जो सीसी के अंदर होगा आपको या के पॉइजन्स पे लेना है, इजीली आपको हो जाएगा 3 स्टार। तो चले गाइज, इस बेस में लास्ट बेस में हो गया करा 3 स्टार। ठीक है, तो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि मैं हमेशा रोज़ रोज नया स्ट्रेटजी लेकर आता हूँ और टाउन हॉल का टाउन हॉल 12 का भी मैं लेते आता हूँ 5:30 बजे में। ठीक है गाइज, आपको हाँ गाइज कमेंट भी आपका न करना मत भूलना भाई, मैं अच्छा अच्छा अटैक करूँगा लेकिन कमेंट नहीं करो, कमेंट ये कर देना गाइज। तो चले गाइज आज के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।